Morning students, how are you? In this chapter, breathing and exchange of gases, last time we have discussed about the what is breathing is, what is respiration is, and expiration ke we have discussed two kinds. One is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. And in microbes, इस रेस्पिरेशन को जो एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसको हम नाम देते हैं यहां पे फर्मेंटेशन. ठीक है ना, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यू कैन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. अब हमें ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है. बट बिफोर दैट देर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स में हम ये देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, फॉर गैसेस एक्सचेंज दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. तो मैं एक बार आप लोगों को उन स्ट्रक्चर्स के, उन ऑर्गन्स के नाम जरूर बताना चाहूंगा. और क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से जब आप इसको पढ़ोगे आगे, जिसको हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उस चैप्टर में क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस यूनिट में से बनते हैं. तो इसको हम आज यहीं पर स्टडी करेंगे. ठीक है ना, तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स हम यहां पर स्टडी करेंगे फॉर गैसियस एक्सचेंज, फॉर एक्सचेंज of gases in different animal groups, in different animal groups. कि अगर आपको याद हो, in ninth class हमने diversity in living organism बड़ा डिटेल में किया था वहां पे. ठीक है ना, और वहां पर जो हमने एनिमल किंगडम था उसके हमने 11 फाइलम पढ़े थे. ठीक है ना, तो यहां पर हम उन्हीं 11 फाइलम के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम आज यहां पर स्टडी करेंगे कि वो कैसे रेस्पायर करते हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो क्या होता है. देखिए बच्चों, जो सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो हम बात करेंगे प्रोटोजोन्स की. किसकी बात करेंगे हम? प्रोटोजोन्स की. और बच्चों, जो प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? हम अमीबा की बात करते हैं. ठीक है ना, हम किसकी, और दूसरा पैरामीशियम की हम बात करते हैं. ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी हम इनमें बात करते हैं. तो इनमें किस तरह से जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा इनमें? ठीक है ना, देखिए, इट इज प्लाज्मा लेमा. क्या होगा ये? प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा के थ्रू, और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल. दैट इज पेलिकल, प्लाज्मा लेमा पेलिकल, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड. अब प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है स्पंजिस. और स्पंजिस में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो स्पंजिस है कौन से थे. हम एक साइकन का एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं. साइकन ये एक ऐसी स्पंज है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है, इट अकर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल. क्यों? क्योंकि ये स्पंजिस क्या होती है? सेल एग्रीगेट्स होती है. ठीक है ना, तो वहां पर ईच जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हर सेल की, उसके थ्रू, मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, तो इसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. ठीक है ना, फिर आ गया था थर्ड हमारे पास स्पंजिस के बाद जो उससे नेक्स्ट हाइट ग्रुप आता है उसको बोलते हैं क्नाइडेरियंस. क्या बोलते हैं हम? क्नाइडेरियंस. अब ये जो क्नाइडेरियंस हैं, इसमें हम हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ते हैं. किसका पढ़ते हैं? हाइड्रा. अब जो हाइड्रा है,
हाइड्रा किसके थ्रू रेस्पायर करता है? बॉडी वॉल के थ्रू, रेस्पायर थ्रू बॉडी वॉल, क्लियर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप आता है दैट इज स्टेनोफोरा, या टेनोफोरा को हम बोल देते हैं, सी टेनोफोरा। और जो सी टेनोफोरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन कौन से होते हैं? उसमें हमारे पास कोम्ब जेलीज आती हैं। कौन जाती हैं? कोम्ब जेलीज। और अगर हम इसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें कि किसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, दे रेस्पायर थ्रू द, यू कैन से, अब हमारे पास जो कोम्ब जेलीज होते हैं ये भी बॉडी वॉल के थ्रू ही रेस्पायर करती है। बॉडी वॉल, ये भी बॉडी वॉल के थ्रू ही रेस्पायर करेगी। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप है इसमें प्लैटी हेलमिंथिस, प्लैटी हेलमिंथिस। आपके यहां पे क्वेश्चन बनता है कि सर यहां पर ये चेंज क्यों हो रहा है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटे हम ये देख रहे हैं कि यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बदल रहा है, कि हम सिंगल सेल से स्टार्ट हो रहे हैं फिर मल्टी सेलर की तरफ बढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। मीन्स किसी में सेलो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू लेवल है, फिर फर्दर ऑर्गन लेवल है, और फिर ऑर्गन सिस्टम आ जाएंगे। इस तरह से जो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है तो जो रेस्पिरेशन का जो स्ट्रक्चर है या जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और गैसेस एक्सचेंज है वो भी वैरी करेगा। अब हम जो प्लैटी हेलमिंथिस की बात करते हैं, अब यहां पर हमारे पास दो ग्रुप हो जाते हैं प्लैटी हेलमिंथिस के। एक तो होगा इसमें फ्री लिविंग होगी, फ्री लिविंग में हमारे पास आ जाएगा इसमें जैसे प्लेनेरिया है, ठीक है ना, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया भी क्या करता है, ये भी अपनी बॉडी वॉल के थ्रू या बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पायर करता है, रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस, ये भी अपने बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पायर कर लेता है। फिर इसमें जो दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट समझते हो ना, कि ये ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग बॉडी के ऊपर अपने फूड के लिए निर्भर करता है। इसमें जैसे हमने पढ़ा हुआ है लीवर फ्लूक, सुना है ना हम लीवर फ्लूक, फिर हमने टैप वर्म का नाम सुना हुआ है, ठीक है ना। अब इन दोनों में जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसे होगा, क्या इनमें रेस्पायर करते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है, इनको सारा फूड ऐसे मिल रहा है, और ये एनर्जी मीन्स ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को ही ये क्या करते हैं, एब्जर्व करते हैं, तो इनमें रेस्पिरेशन एनरोबिक होता है, तो नो गैसेस एक्सचेंज अकर्स, मीन्स ये क्या करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इनमें गैसेस एक्सचेंज होगा ही नहीं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास फिर प्लैटी हेलमिंथिस के बाद आता है हमारे पास अर्थ्रोपोडा, और सॉरी एनलिडा आता है नेक्स्ट, कौन सा आता है एनलिडा। और जो एनलिडा ग्रुप है यहां पे, सॉरी एनलिडा से पहले भी एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं निमेटा हेलमिंथिस, जिसको हम एस्कलमेंथिस भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास सिक्स आ गया ना, सिक्स ग्रुप में भी निमेटा हेलमिंथिस, ये भी एक ग्रुप है जो हमारे पास प्लैटी हेलमिंथिस के बाद आता है, इसको हम एस्कलमेंथिस बोलते हैं। इसके अंदर भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दो तरह के होंगे, एक फ्री लिविंग होगा तो दूसरा पैरासिटिक होगा। तो अगर हम फ्री लिविंग की बात करते हैं, यहां पर जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आ जाता है हमारे पास रेबडाइटिस, कौन सा आएगा रेबडाइटिस, आर एच ए बी डी आई टी रेबडाइटिस, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है ना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इट रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस, ये भी क्या करता है बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करता है, और कैसे गैसेस एक्सचेंज ये बॉडी सरफेस से करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा इसमें पैरासाइट। अब इसमें जो पैरासाइट होंगे वो कौन कौन से, जैसे
एस्केरिसिस में आ जाता है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास एस्केरिस। अब एस्केरिस जो होगा, अब जब ये पैरासाइट है बच्चों, तो ये क्या करेगा, एनरोबिकली रेस्पायर करेगा, मीन्स एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और जब ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझ आ गया यहां तक? तो नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है, दैट इज अब आएगा हमारे पास एनालिडा, जिसको हम एनालिड्स कहते हैं। अब जो एनालिड्स हैं, अब आपको पता है एनालिडा में भी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहां पे एक नेरिस ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है, नेरिस, नाम सुना होगा आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में। दूसरा हमारे पास अर्थवर्म है, लीच है, अर्थ वर्म है, लीच है, ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा या जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये बॉडी वॉल के थ्रू ही कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन, थ्रू बॉडी वॉल ये रेस्पायर कर लेते हैं। फिर दूसरा हमारे पास और भी है, जैसे एम्फ्रोट्राइट या एम्फोट्राइट, एम्फीट्राइट जिसको हम बोलते हैं, एम्फीट्राइट, ठीक है ना, एम्फीट्राइट है, टेरेबेला है, टेरेबेला, और एट्रेनिकोला, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इन एनालिड्स में आते हैं, और इनका जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होता है वो है गिल्स, क्या होता है गिल्स, ये गिल्स के थ्रू करते हैं, और जब गिल्स के थ्रू करते हैं आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। इसी तरह हमारे पास जो बॉडी वॉल है, मीन्स अब आपके पास इनको स्किन होगा, इसका हम बॉडी सरफेस से कर रहे हैं, बॉडी वॉल से करते हैं, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्यूटिकल होती है, क्या होती है इनके पास क्यूटिकल, तो ये गिल्स के थ्रू करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और ये बॉडी वॉल मीन्स क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर अथवा आपके लीच के ऊपर, तो इसलिए इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स, नेक्स्ट है भी हमारे पास आर्थ्रोपोड्स। अब जो आर्थ्रोपोड्स है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जितना भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं, तो इसकी हमारे पास कई कैटेगरी यहां पर बन जाती है। अगर देखें जैसे हमारे पास क्रेफिश है, प्रॉन है, ठीक है ना, पहली कैटेगरी हम देखते हैं इसमें क्या है, क्रेफिश है, प्रॉन है, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो हमें गिल्स मिलेगा, क्या मिलेगा, गिल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट आएगा ग्रुप, दैट इज जो इंसेक्ट होते हैं हमारे पास, जैसे सेंटीपीड है, ठीक है ना, बिलीपीड्स हैं, और टिक्स हैं, जो डॉग टिक्स आप देखते हो, ठीक है ना, मीन्स हमारे पास बी ग्रुप आए जिसमें इंसेक्ट्स हैं हमारे पास। इंसेक्ट कैसे हैं, जैसे आपके पास सेंटीपीड्स हैं, बिलीपीड्स हैं, और टिक्स हैं, ठीक है ना। अब ये किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू करते हैं, और यहां पर इनके अंदर इसको इस तरह की जो रेस्पिरेशन होगी तो ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला ग्रुप आता है इसमें वो है, जैसे स्कॉर्पियन होगा, स्पाइडर्स होंगी, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है,
ये भी एक अलग से ग्रुप हमारे पास है। देखिए ये इनके अंदर बुक लंग्स मिलते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। क्या मिलेंगे इनमें? बुक लंग्स। ये जो लंग्स हैं वो एक बुक की तरह मिलते हैं, उनको बुक लंग्स के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है माइट्स का, उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। माइट्स इसमें क्या होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट इसका ग्रुप आता है हमारे पास, जैसे हम ल्यूमुलस किंग क्रैब की बात करते हैं, ग्रुप आ गया हमारे पास ल्यूमुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग क्रैब के नाम से हम जानते हैं। और किंग क्रैब के अंदर क्या होता है? इनके अंदर भी बुक लंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? बुक लंग्स। इसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अर्थ्रोपोड्स हैं, अर्थ्रोपोड्स के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास वो है मोलस्का। अब जो मोलस्का है उसमें हमारे पास आपने नाम सुना होगा यूनियो और पाइला। क्या नाम सुना है? इसमें हमारे पास यूनियो और पाइला। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली देखा जाता है इनमें दो तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। एक इनके अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं टेनिडिया। इनमें टू टेनिडिया होते हैं, सी टी एन टेनिडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये लंग्स गिल्स की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? गिल्स। और दूसरा रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी, इनमें लंग्स होते हैं, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये दो तरह के रेस्पिरेशन इनके अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास एकिनोडर्म्स। अब जो बच्चों एकिनोडर्म्स हैं, अब इनके अंदर कौन कौन, जैसे स्टारफिश का नाम आपने सभी ने सुना होगा, स्टारफिश, ठीक है ना। स्टारफिश देखते भी हैं हम टीवी में बहुत बार, स्टारफिश हमें दिखाई देती है। लेकिन उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? उनको बोलते हैं डर्मल ब्रेंकी। क्या बोलते हैं उनको? डर्मल ब्रेंकी। डर्मल ब्रेंकी, और इसको आप नाम जानते हो ट्यूब फीट, जिसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन भी करता है, अपना फूड भी लेता है ट्यूब फीट के थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप है हेमिओर्डेट। हेमिओर्डेट, अब जो हेमिओर्डेट्स है जो, जैसे आपने नाम सुना होगा बेलानोग्लोसस। क्या नाम है? बेलानोग्लोसस। अब जो बेलानोग्लोसस है इनके अंदर क्या होता है कि कुछ फेरेंजियल वाल होती है, और इस फेरेंजियल वाल के थ्रू ही ये क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन, फेरेंजियल वाल के थ्रू, फेरेंजियल वाल, इसके थ्रू ही अपना गैसेस एक्सचेंज ये कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हेमिकोडेटा के बाद हमारे पास आता है कोडेटा। अब जो कोडेट्स हैं इनको हमने फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरी है? तीन है। पहली कैटेगरी है यूरोकोडेटा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पे। जो अगला है हमारे पास ऑर्डेटा। ऑर्डेट्स के हमारे पास तीन मेजर ग्रुप्स आते हैं। एक होता है यूरो ऑर्डेटा, पहला यूरो ऑर्डेटा, और यूरो ऑर्डेट्स के अंदर हमारे पास हर्डमानिया आता है। क्या आता है? हर्डमानिया। इनकी जो बॉडी होती है ना पाउच लाइक होती है, हर्डमानिया, ठीक है ना। ये भी फेरेंजियल वाल के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, रेस्पायर थ्रू फेरेंजियल वाल,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ग्रुप आता है इसमें सिफेलोपोडेट्स, सेकंड सिफेलोपोडेट्स, सिफेलो मीन्स जिसके पास है हेड हुक, ठीक है ना, जैसे हमारे पास यहां ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा इनके पास सिफेलाइजेशन हो गया, मीन्स यहां पर हेड ट्रंक एंड टेल तीन चीजों में डिवाइड हो जाते हैं पोडेट्स, ये भी क्या करते हैं फेरिंजियल वाल के थ्रू ही अपना गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट करते हैं। थर्ड ग्रुप आता है इसमें हमारे पास वर्टेब्रेट्स, अब ये जो वर्टेब्रेट्स होते हैं बच्चों इसमें भी हम देखते हैं कि तीन कैटेगरी यहां पर बन जाती है एनिमल्स की, और इनमें तीन कैटेगरी में कौन कौन से, जैसे हमारे पास पहला जो इसमें ग्रुप आता है जैसे हमारे पास साइक्लोस्टोम्स आ जाएंगे या हमारे पास फिशीज आ जाएंगी, कि जो हम कहते हैं जो मोस्टली वाटर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं ये अपना जो रेस्पिरेशन है किसके थ्रू करते हैं गिल्स के थ्रू, इनके पास ऑर्गन क्या होगा गिल्स होगा जिसको हम कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन, ये क्या करते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन ये करते हैं। दूसरा आ जाएगा हमारे पास एम्फियोक्सिस, दूसरा ग्रुप एम्फियोक्सिस क्या होगा एम्फियोक्सिस, इनके अंदर जो होगा ये क्या करते हैं स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और लंग्स के थ्रू ये कर लेते हैं, मींस स्किन के थ्रू करेंगे और लंग्स के थ्रू, इसका मतलब इनके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है और पल्मोनरी भी, दो तरह की रेस्पिरेशन यहां पर एम्फियोक्सिस में देखी जाती है, ठीक है ना, सॉरी इट इज नॉट एम्फियोक्सिस इट इज एम्फीबियंस, क्या लिखेंगे इसको एम्फीबियंस, सॉरी इट इज एम्फीबियंस जिसको हम फ्रॉग कहते हैं, ग्रुप का नाम है एम्फीबियंस और उनको कहते हैं फ्रॉग, फ्रॉग क्या करते हैं स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं और लंग के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं, इसका मतलब में दो तरह की रेस्पिरेशन होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एज वेल एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब इसमें जो थर्ड ग्रुप आता है वो हमारे पास रेप्टाइल्स हो जाते हैं, बर्ड्स हो जाते हैं, और तीसरा हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं तीसरे ग्रुप में, इसमें हमारे पास क्या आगे बर्ड्स आगे मैमल्स आगे और रिमेनिंग बचे हमारे पास रेप्टाइल्स। अब इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे सिर्फ लंग्स होंगे और ये लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, इसके थ्रू रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इस तरह से बच्चों हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट एनिमल्स हैं राइट बिगनिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर, और यू कैन से बिल्कुल सिंपलर ऑर्गेनिज्म से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनके अब हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए हैं, और यू कैन से ऑर्गन्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो हमने अब स्टडी कर लिए है, ठीक है ना। अब हमारा जो स्टडी का जो टॉपिक होगा अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे दिखाए हुए हैं, बस किसी की हेल्प से हम अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि पहले एक पाथवे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पाथवे क्या है, और जब आप पाथवे एक बार पढ़ लोगे ना पाथवे ऑफ यू कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको ऑर्गन्स याद हो जाएंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, और ठीक है, और उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे आपके सामने यहां पर है कि किस तरह से वो पाथवे वहां तक जाता है
हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है ना। उसको हम वन बाय वन फिर हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आउटर पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें दिखता है कि दो होल्स आपको दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर, सॉरी कैंसिल को बोलते हैं हम नोस्ट्रिल। कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नेयर्स, और दीज एक्सटर्नल नेयर्स ओपन इन टू द नेजल कैविटी, इसमें खुलते हैं जाके नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी किसमें खुलती है जाके आगे फेरिंग्स में, किसमें खुलती है, या तो हम इसको नेजो फेरिंग्स लिखे या फेरिंग्स लिख सकते हैं, क्योंकि जो नेजो फेरिंग्स है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, जहां पर नेजल कैविटी ओपन होती है, हम नेजो फेरिंग्स ऑप्शन में डाल के फेरिंग्स भी यहां पर कर सकते हैं। तो अब ये जो नेजो फेरिंग्स है, जो फेरिंग्स है ओपन इन टू द लैरिंग्स, ये लैरिंग्स में ओपन होता है, और लैरिंग्स किसमें ओपन होते हैं, लैरिंग्स दे ओपन इन टू द यू कैन से ट्रेकिया, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा, ये ट्रेकिया के अंदर ओपन होते हैं, और ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो ब्रोंकाई में, किसमें डिवाइड हो जाते हैं, ब्रोंकाई मींस यहां पर दो ब्रोंकाई आपके पास हो जाएंगे, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक आपके पास हो जाएगा राइट ब्रोंकाई। ये याद रखने की चीज है कि हमारा जो फिफ्थ वर्टेब्रा है कौन सा है, फिफ्थ वर्टेब्रा के जो थोरेसिक वर्टेब्रा जो हमारा फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा है उसकी बिल्कुल साइड बिल्कुल वहां जाके दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो ब्रोंकाई होंगे ये प्राइमरी भी होगा, ये सेकेंडरी भी होगा, और ये टर्शियरी भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेज हो जाएंगी कि पहले प्राइमरी ब्रांच फिर उससे डिवाइड हुआ, फिर सेकेंडरी, फिर वो फर्दर फिर डिवाइड हुआ तो टर्शियरी। तो इस तरह से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये जो टर्शियरी ब्रोंकाई है इट विल गिव राइज टू द ब्रोंक्यूल, यहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम ब्रोंक्यूल बोलेंगे, एंड ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई। तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर ये एक पाथवे हमें याद रखना है, ठीक है ना, जिससे हम बिल्कुल ऑर्गन्स भी याद रख सकते हैं कि किस ऑर्डर में हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जरा डायग्राम देखो आप ध्यान से कि मैंने एक्सटर्नल लेयर्स की बात की है, दीज आर द एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है ना, और यहां से आप एक्सटर्नल लेयर्स से यहां देखते हैं कि नेजल कैविटी जा रही है, नेजल कैविटी से फिर नेजल कैविटी ओपन इन टू द ये फेरिंग्स आ गई, यहां पे सारे क्या आगे फेरिंग्स। अब फेरिंग्स ये पार्ट इंडोफेरिंग्स का है, इंडोफेरिंग्स में चला गया, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि ये ग्लोटिस है, क्योंकि जो हमारे पास जो एयर पासेज की ओपनिंग होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन को हम एपिग्लोटिस कहते हैं। और जब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रेकिया है, और यहां पर ट्रेकिया में इस तरह से कार्टिलेजस रिंग्स यहां पर देखी जा सकती है, ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। और फर्दर ये जो हमारा ट्रेकिया है ये फर्दर ऐसे फिफ्थ वर्टेब्रे के पास जाके दो लेफ्ट और राइट में ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और फिर फर्दर कहते हैं कि ये इसमें से ऐसे ब्रांच निकलेगी, ये क्या हो गया, ये प्राइमरी हो गया, फिर उसमें से फिर आगे ब्रांच निकलेगी, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, और फिर इसमें से फिर ब्रांच निकलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी। तो इस तरह से हमारा ब्रोंकियल ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और फिर आगे जाके ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्रोंकियल। इस तरह से हर लंग में ये डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद नेक्स्ट अब जब ये टर्शियरी ब्रोंकियल है तो ये ब्रोंकाई है, ये फर्दर गिव राइज टू द ब्रोंकियल,
ऐसे। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ ये क्या है, ये ब्रोंक्योल है, ठीक है ना। और ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, एल्वियोलस। और ये सारों को क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। समझ में आ गया कि हमारा जो यहां पर हम एक लंग देखेंगे कि लंग के अंदर ये इस तरह का डिफरेंशिएशन है और इधर लंग के अंदर ये इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल सेम होगा दोनों साइड में। तो ये एक तरह से ये जो पाथवे है इसकी हेल्प से अगर हमें याद आ जाता है तो हम स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा, अब हम सबसे पहले वन बाय वन इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इस पाथवे के जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनको अब हम वन बाय वन देखें जरा एक बार। कि सबसे पहला हमारे पास आता है नोस्ट्रिल। अब जो नोस्ट्रिल है इनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इनको, एक्सटर्नल लेयर्स। इसमें है पेयर है हमारे पास, इसका एक पेयर है, ठीक है ना, विच ओपन इन टू द नेजल कैविटी। इसमें ओपन होता है, ओपन इन टू नेजल कैविटी एंड यू कैन से इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है नोस्टिल हमारा एनवायरमेंट के, ये ध्यान रखना है आपको। बस नोस्टिल कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वो नेजल कैविटी, सेकेंड है। अब देखिए बच्चों, जो नेजल कैविटी है इट इज सेपरेटेड बाय नेजल सेक्टम। आप देखते हो बीच में एक नेजल कैविटी इस साइड में है, एक नेजल कैविटी इस साइड में है। इट इज सेपरेटेड बाय नेजल सेक्टम। ये जो नेजल कैविटी जो हमारे पास पड़ती है, इट इज बिकॉज ऑफ द नेजल सेक्टम, नेजल सेक्टम में डिवाइड होता है। तो यहां पर थ्री बोनी रिजेस आर प्रेजेंट, थ्री बोनी रिजेस प्रेजेंट विच अराइज फ्रॉम वॉल ऑफ नेजल कैविटी। कि जो नेजल वॉल कैविटी है उससे वो अराइज होते हैं, या कैसे अराइज फ्रॉम द वॉल ऑफ ईच नेजल कैविटी, वॉल ऑफ ईच ईच नेजल कैविटी। अब उसमें कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास एक है बोन है हमारे पास सुपीरियर कोंका, ध्यान से देखो डायग्राम में, सुपीरियर कोंका, ये देख लो ये बोन, ये रिज है, इसको बोलते हैं सुपीरियर नेजल कोंका। ठीक है, और फिर दूसरा हो जाएगा मिडल नेजल कोंका, और लास्ट में आ जाएगा तीसरा इनफीरियर नेजल कोंका एंड इट ओपन्स इनटू द यू कैन से नेजल। क्लियर। अब ये जो कोंके हैं ये क्या, इनका फंक्शन क्या है, एक्चुअली दीज कोंके इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है उसके सरफेस एरिया को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू किसमें खुलती है, जाके वो फेरिंग्स में खुलेगी जाके, ठीक है ना। अब हम अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहां पे फेरिंग्स। अब बच्चों देखिए जो फेरिंग्स है सभी जानते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर। कॉनिकल स्ट्रक्चर, कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, कॉमन
गैसेज ऑफ फूड एंड एयर, दोनों के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर है। देख सकते हैं आप यहां से, यहां से देखिए ऊपर से नेजल कैविटी ओपन होती है, ठीक है ना, इधर से ओरल कैविटी भी यहीं पर ओपन होती है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ये फेरिंग्स है हमारा। और फेरिंग्स के फिर हमने तीन पार्ट यहां पे बताए हैं, मीन्स जो हमारी नेजल कैविटी ओपन होती है, जो इंटरनल लेयर्स होते हैं, दे ओपन इनटू द नेजल, यू कैन से दैट इज द फेरिंग्स, उसको हम क्या बोले, नेसोफेरिंक्स, की जो नेक्स्ट लेयर्स के साथ वहां पर ओपन हो रहे हैं। फिर जो बिल्कुल हम कहते हैं जो हमारी ओरल कैविटी हमारे जो फेरिंग्स में खुलती है जो, उसको ओरोफेरिंक्स, और जो हमारे लैरिंग्स की तरफ खुलती है, जो हमारी जो फेरिंग्स है जो हमारे लैरिंग्स की तरफ है, उसको लैरिंगोफेरिंक्स। तो यहां पर तीन पार्ट हमारे पास फेरिंग्स के हो जाएंगे, फर्स्ट इज ओरोफेरिंग्स, सॉरी नेसोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स, एंड तीसरा लैरिंगोफेरिंक्स। दैट मीन्स इट कॉम्प्राइजेस तीन पार्ट है, पहला नेसोफेरिंक्स, इनका स्ट्रक्चर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कर चुके हैं डिटेल में, दूसरा स्ट्रक्चर है यहां पे ओरोफेरिंक्स, और तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास लैरिंगोफेरिंक्स। ये तीन स्ट्रक्चर हमारे पास यहां फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फेरिंग्स है, ये क्या करती है, इट ओपन इन टू द लैरिंग्स, इसमें बोले जाके इट ओपन इन टू लैरिंग्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा अब लैरिंग्स। फिर अगर हम देखें, सॉरी बिफोर दैट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग हियर, कि इसका फंक्शन क्या होगा, कि फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं कि इट यू से एक्ट एज द, यू कैन से पासेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये जरूर याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं और यहां पे फंक्शन बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स। देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये आपको एपिग्लोटिस दिखाई दे रही है जो कि कार्टिलेजनस होती है, ठीक है ना, और दूसरा आपके पास ये लैरिंग्स एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें लैरिंग्स की, मेल के अंदर ये बाहर की तरफ वी शेप में दिखाई देता है एक स्ट्रक्चर, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें कि जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं आती, चाहे वो मेल की प्रॉपर्टी हो चाहे वो फीमेल की प्रॉपर्टी हो, तब तक मीन्स अंटिल द प्रॉपर्टी, इनमें लिटिल डिफरेंस होता है, लेकिन एकदम से जब प्रॉपर्टी अचीव हो जाती है तो लैरिंग्स का साइज क्या होगा, मैन में बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फीमेल में वो छोटा रह जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो एडम्स एप्पल बाहर की तरफ निकलता है, तो सीधी सी बात यही है कि हम यहां पे कह सकते हैं कि अंटिल पॉवर्टी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, अंटिल पॉवर्टी देयर इज लिटिल डिफरेंस इन, यू कैन से हमारे पास लिटिल डिफरेंस होता है इन बिटवीन साइज ऑफ मैन एंड वोमेन। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप पहचान नहीं सकते कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन जब एडम्स एप्पल बाहर की तरफ निकल जाता है तो आप एनाटोमिकली उनको पहचान सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है। क्यों? जो फीमेल का जो लैरिंग्स का साइज होगा बहुत स्मॉल होगा, और फीमेल का जो होगा वो बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है ना, बट लेटर इट्स ग्रोज एंड बिकम लार्जर, बट लेटर इट्स ग्रो एंड बिकम लार्जर, वो बड़ा हो जाता है और उसको हम एक नया नाम से जानते हैं, कॉल्ड एडम्स एप्पल, कॉल्ड एडम्स एप्पल के नाम से हम उसको जानना शुरू कर देते हैं, जो बाहर की तरफ पॉइंटेड रहता है इन मेल, मेल्स में होगा सिर्फ फीमेल्स में नहीं होगा, तभी मैंने बोला देख के बता सकते हो कि मेल है फीमेल है बाय सीइंग द एडम्स एप्पल, फीमेल में ये दिखाई नहीं देता। फिर अगर हम बात करते हैं जो लैरिंग्स है,
लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ, कि लैरिंग्स के पास फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. लैरिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? एपी सॉरी ग्लोटिस से हम शुरू करेंगे. ग्लोटिस, अब ग्लोटिस आपको पता है कि इट इज द ओपनिंग ऑफ द फेरिंग्स इनटू एयर पासेस. ठीक है ना, फेरिंग्स ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स. फेरिंग्स ओपनिंग इनटू लैरिंग्स, उसका भी क्या नाम दे दिया है? ग्लोटिस. और यहां पर एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस. ठीक है ना. फिर हमारे पास जो सेकंड स्ट्रक्चर आते हैं उनको बोलते हैं कार्टिलेजनस लैरिंग्स. सेकंड स्ट्रक्चर कार्टिलेजनस लैरिंग्स. दूसरा स्ट्रक्चर कि हमारे पास यहां पर दीज आर द नाइन पीस ऑफ कार्टिलेज. क्या है ये? दीज आर नाइन पीस ऑफ कार्टिलेज. ठीक है ना, नौ पीस हमारे पास इधर कार्टिलेजस लैरिंग्स के होंगे, नौ पीस होंगे, जिसमें क्या होगा, थ्री पेयर्ड होंगे और तीन अनपेयर्ड होंगे. ठीक है ना, थ्री आर सिंगल सिंगल और यू कैन से अनपेयर्ड एंड थ्री आर पेयर्ड. टोटल कितना हो गए? नाइन कार्टिलेज. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम अनपेयर्ड को देख लेते हैं कौन कौन से हैं. सबसे पहले देखते हैं ये पार्ट, क्योंकि अब हम इन कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जो नाइन पीस से हमारे पास हैं. पहला है इसमें एपिग्लोटिस, ये जिसको हम बोले एपिग्लोटिस. ठीक है ना, ये क्या है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट इनटू द फेरिंग्स. लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्रोजेक्ट इनटू फेरिंग्स. फेरिंग्स की तरफ रहता है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एपिग्लोटिस है, किधर है? फेरिंग्स की तरफ प्रोजेक्ट करता है. एंड यू कैन से इट इज हैविंग मेड अप ऑफ द यू कैन से इलास्टिक कार्टिलेज. एंड इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है. क्लियर? बस ऐसे छोटा छोटा याद रखना आप लोगों ने. और इसका फिर फंक्शन क्या होगा कि ड्यूरिंग स्वेलरिंग इट कवर्स और क्लोजेस द ग्लोटिस. ड्यूरिंग स्वेलोइंग इट कवर्स द ग्लोटिस. बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जब हम स्वेलो कर रहे हैं फूड को और एपिग्लोटिस अपना फंक्शन ना करे तो जो फूड है उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे एयर पासेज की तरफ जा सकते हैं, हमारे लैरिंग्स की तरफ वो जा सकते हैं. इसलिए समटाइम जब हम बोलते बोलते खाते हैं तो हमें एकदम से ऐसे हम करते हैं. ऐसा क्यों किया? कि उस टाइम में क्या हुआ कि यहां पर जो एपिग्लोटिस है उसने ग्लोटिस को पूरा कवर नहीं किया, जिससे फूड जो है हमारी एयर पासेज में जाने की तरफ गया. तो एकदम से हमें ये इस तरह का जो फीलिंग आती है, हम एकदम से उसको बाहर निकाल देते हैं और एकदम से वो कवरिंग वहां पर हो जाती है. तो जो दूसरे टाइप का यहां पर कार्टिलेज है हमारे पास, दैट इज बी टाइप, वो जाएगा थायरॉइड कार्टिलेज. क्या बोलेंगे उसको? थायरॉइड कार्टिलेज. अब जो थायरॉइड कार्टिलेज है बच्चों, इट फॉर्म्स द यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स. पहली बात है लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज यही है. ठीक है ना, और ये वी शेप को होता है, इट इज वी शेप्ड, वी शेप होती है इसकी. एंड फॉर्म्स द सबक्यूटेनियस प्रोजेक्शन एंड फॉर्म्स सब क्यूटेनियस प्रोजेक्शन
क्या करता है, सब क्यूटेनियस प्रोजेक्शन देता है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, लैरिंजियल प्रोमिनेंस, क्या बोलेंगे इसको, लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, कॉल्ड एडम्स एप्पल। अब समझ में आ गई कि एडम्स एप्पल क्या है, ये एक तरह का हमारे पास है थायरॉइड कार्टिलेज है जो वी शेप में, इसलिए हम देखते हैं कि जो यहां पर टच करके देखो, ये जो वी शेप की जो शेप है, मीन्स उसका जो ये स्ट्रक्चर है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर हम जो देखते हैं ये आउटसाइड हमें दिख रहा है, यहाँ पर स्किन ऐसे सबक्यूटेनियस लेवल में ऐसे स्किन है, वो थोड़ी सी इस तरह से हमें यहां से उठी हुई दिखाई देती है। ये वी शेप का क्या है यहाँ पे, ये थायरॉइड कार्टिलेज है जो कहां प्रेजेंट है, हमारे लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये किसका बना होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इसका बना हुआ है हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज तीसरा कार्टिलेज जो सिंगल है, हम पहले सिंगल की बात करें, मींस अनपेयर्ड ही हम बात करें सबसे पहले, जो मैंने तीसरा है ये भी अनपेयर्ड है, जो हमने पहले दो किए वो भी अनपेयर्ड ही किए, तो एक क्रिकोइड कार्टिलेज है, इट इज लाइक ए रिंग, ये कैसा होता है, इट इज लाइक ए, ये एक रिंग की फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। और दूसरा इट लाइज बिलो द थायरॉइड कार्टिलेज, इट लाइज बिलो थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज के बिल्कुल ठीक नीचे प्रेजेंट होता है, एंड इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, किसका बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का ये बना हुआ है। अब हम नेक्स्ट करेंगे यहां पे, ये तो थे अब तक हमने तीन जो बताए आपको अनपेयर्ड कार्टिलेज बताए हैं कि जो सिर्फ सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम बात करेंगे अब पेयर्ड कार्टिलेज की, पेयर्ड कार्टिलेज मीन सब हम फोर्थ करेंगे जो पेयर्ड है, इसको बोलते हैं एरिटेनोइड कार्टिलेज, एरिटेनोइड कार्टिलेज, बड़े ध्यान से करना बच्चों, ध्यान से सुनना क्या बताया जा रहा है, और बस इतना याद रखो, देखिए पहली बात तो स्मॉल होता है, स्मॉल है टू इन नंबर, क्योंकि पेयर्ड है तो दो इनका नंबर करता है टू इन नंबर, ठीक है, पिरामिडल शेप को होता है, पिरामिडल इन शेप, शेप कैसी है इसकी, पिरामिड लाइक है, ठीक है ना, एंड सिचुएटेड बैक ऑफ द लैरिंग्स, सिचुएटेड इन बैक ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के बैक में प्रेजेंट होता है, एंड एपिकल पार्ट जो होगा इसका, और यू कैन से जो इसका ग्रेटर पार्ट है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना होगा, ग्रेटर पार्ट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इसका बना हुआ है हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, और जो बाकी का बचा मीन जो एपिकल पार्ट है इट इज इलास्टिक कार्टिलेज, एंड एपिकल पार्ट इसका बना हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज, क्लियर एरिटेनोइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट हम पेयर्ड हमें यहां करेंगे कॉर्निकुलेट, कौन सा है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी टू इन नंबर,
पैसों का इस्तेमाल होता है, ये भी बहुत छोटा होता है साइज में, और ये कॉनिकल नोड्यूल होता है, कॉनिकल नोड्यूल ऑफ किसका नोड्यूल, इलास्टिक कार्टिलेज, किसका बना है, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है ना, एंड लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ, एंड लोकेटेड एट अपर एंड ऑफ किसका, एरिटेनॉइड, एरिटेनॉइड जो एरिटेनॉइड ग्लैंड का अपर एंड है, ठीक है ना, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास लास्ट है, दैट इज क्यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है ना, मीन्स एफ लास्ट पे आगे छठे पे, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, इसका भी वही है कि ये टू इन नंबर, दो होता है, स्मॉल होता है, कैसा है, स्मॉल है साइज का। फिर हम जरा देख लेते हैं कि ये किससे बना था, इट इज मेड अप ऑफ द इलास्टिक कार्टिलेज, किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, किसका बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना हुआ है, एंड कनेक्ट एपिग्लोटिस टू द आर्टेनॉइड कार्टिलेज, एंड कनेक्ट एपिग्लोटिस टू किसके साथ जोड़ता है, आर्टेनॉइड कार्टिलेज के साथ, एरिटेनॉइड कार्टिलेज इसके साथ ही इसको जोड़ता है, क्लियर है। ये तो थे हमारे पास की दो डिफरेंट कार्टिलेजेस जो हमने पढ़े कि जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ये हमारे पास नौ पीसेस हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास जो लैरिंग्स के अंदर मिलता है, मीन्स हमने दो स्ट्रक्चर अब तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना, एक हमने ग्लोटिस डिस्कस किया, दूसरा हमने कार्टिलेज डिस्कस किए, अब तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हायर्ड बोन, तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं हायर्ड बोन, ठीक है ना, ये जो होता है इट लाइज जस्ट अबव द लैरिंक्स, लाइज जस्ट अबव द लैरिंक्स, लैरिंक्स के ठीक थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, और अगर हम देखें एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसीडर्ड एज द बोन ऑफ द स्कल, एम्ब्रियोलॉजिकली इट इज कंसीडर्ड एज बोन ऑफ स्कल, तो हम हमेशा इसको बोन में काउंट करते हैं स्कल की, जब हम स्कल की बोन काउंट करते हैं ना, तो एम्ब्रियोलॉजिकली हम इसको वहां पर एक बोन ही कंसीडर करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकली। नेक्स्ट है हमारे पास थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन मीन्स चौथा स्ट्रक्चर, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, और जो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है ये एक ब्रॉड फ्लैट मेम्ब्रेन है, कैसी है ये, पहली बात तो ये ब्रॉड है, दूसरा फ्लैट है मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और अटैच टू द हायर्ड बोन अबो, अटैच टू हायर्ड बोन अबो, एंड दूसरा जो इसका दूसरा सिरा जो एंड थायरॉइड कार्टिलेज बिलो, एंड थायरॉइड कार्टिलेज बिलो, इतना सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैरिंजियल लिगामेंट एंड मसल, फिफ्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास
लैरिंजियल लिगामेंट एंड मसल। अब लिगामेंट क्या काम होते हैं, लिगामेंट कनेक्ट करते हैं ना, तो यहां पर जो लैरिंजियल लिगामेंट है दे कनेक्ट, किसको कनेक्ट करते हैं, जो कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स। इनका ये फंक्शन है कि जो लैरिंजियल लैरिंजियल लिगामेंट कनेक्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारे पास मसल भी है, तो यहां पर जो मसल है उसका क्या काम होगा, देखिए हम ये कहते हैं कि जो हम मूवमेंट देखते हैं लैरिंग्स की जो मूवमेंट है, ठीक है ना, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द लैरिंग्स, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स। कि जो लैरिंग्स की मूवमेंट हम देख पा रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वॉइस कोर्ड्स, जिससे हम बोल पा रहे हैं। लास्ट स्ट्रक्चर है इसका वॉइस कोर्ड्स, दैट इज सिक्स्थ स्ट्रक्चर है वॉइस कोर्ड्स। देखिए बच्चों जो वॉइस कोर्ड्स हैं ये क्या है, एक्चुअली दीज आर द टू पेयर ऑफ फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, these are two pairs of folds of mucous membrane। कि ये fold हैं किसके, mucous membrane के fold हैं, which extend into the lumen of the larynx, which extend into the lumen of larynx, की larynx के lumen में जाते हैं from the sides, side of, from the sides, तो side से क्या करेंगे lumen में चली जाती है। और यहां पर जो जो vocal cord है ये दो हो जाती है, कि जो एक pair है जो upper pair है उसका हम क्या बोलते हैं false vocal cord, कि जो upper pair है अपर पेयर ऑफ वोकल कोड इसको बोलते हैं फाल्स वोकल कोड, क्या बोलते हैं फाल्स वोकल कोड, ठीक है। और उसके बाद जो लोअर है लोअर पेयर ऑफ वोकल कोड इसको हम बोलते हैं ट्रू वोकल कोड, ये ट्रू वोकल कोड है हमारे। और एक बात याद रखना कि हमें पता है कि वोकल कोड में ही डिफरेंस होता है मेल और फीमेल की, इसी वजह से जो वॉइस है वो डिफर करती है। अगर हम मेल की कोड्स की बात करते हैं, यहां पर जो वोकल कोड की हम बात कर रहे हैं मेल की जो वोकल कोड है मेल वोकल कोड्स थिक होंगी, क्या होंगी थिक होंगी और लॉन्ग हो, थिक एंड लॉन्गर देन फीमेल्स। इसलिए हम देखते हैं जो मेल हैं जब उनकी जो वॉइस है उनकी जो क्वांटिटी है वॉइस की वो बहुत कम दूर तक ही जाती है, इसका मतलब उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम रहती है, क्यों, उनमें वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो थिन है और यू कैन से शॉर्ट है, जिससे उनकी जो वॉइस जब जनरेट होती है वो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए जब एक लेडी आवाज लगाएगी तो बहुत दूर तक जाती है और जब मेल आवाज लगाते हैं तो बस यहीं तक सिमट के रह जाती है, ठीक है ना। और दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आता है जो इसमें स्ट्रक्चर बचता है उसको बोलते हैं हम ट्रैकिया, क्या बोलते हैं ट्रैकिया, ये स्ट्रक्चर की हम बात करें ट्रैकिया, ठीक है ना। इट पासिस फ्रॉम द नेक, नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट हमारे पास है ट्रेकिया। अभी जो ट्रेकिया है आप देख रहे हो कि इट इज ए यू कैन से सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें कार्टिलेजनस रिंग्स लगी हुई हैं एंड थ्रू द नेक इट एंटर्स इनटू द लंग्स विच आर सिचुएटेड इन द यू कैन से थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। और यहां पर हम देख रहे हैं कि एट द यू कैन से लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे इट स्प्लिट इनटू टू, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, इट स्प्लिट इंटू टू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई नियर टू फिफ्थ वर्टेब्रे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे, फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो ट्रेकिया है इट इज लाइंड बाय, ट्रेकिया इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड, क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये चीज याद रखो। अब आप सूडो स्ट्रेटिफाइड को याद करो जरा, सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि है तो वो सिंगल लेयर ही लेकिन आपको लगती है वो मल्टी लेयर, कैसे कि उसमें क्या हो जाता है सूडो स्ट्रेटिफाइड में इस तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स तो आपको लग रहे हैं कि सिंगल लेयर हैं, सिंगल लेयर है लेकिन सेल्स, लेकिन इनके कारण अपीयरेंस क्या दे रहे हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन का कि वो मल्टी लेयर है, कि एक लेयर ये नजर आती है और दूसरी लेयर ये नजर आती है, तो इनको बोलेंगे हम सूडो स्ट्रेटिफाइड। कि और सीलिएटेड है कि इनके ऊपर यहां क्या है सीलिया प्रेजेंट है, और फिर ये कॉलम शेप है, आप कॉलम शेप के देख रहे हो लंबे लंबे हैं, ठीक है ना, और एपिथेलियम सेल्स है। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा ट्रेकिया है इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो लंग्स हैं उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा और जो इंटरनल का जो हमारा डिवीजन है वो कैसा होगा। तो टिल देन अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।